Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of legal lectures ke andar hamara aaj ka subject Pakistan Penal Code PPC and topic Kidnapping and Abduction. Kidnapping, basically kidnapping do tarah ki hoti hai. Ek Pakistan se bahar le jana, Pakistan se kidnap karna ya kisi bhi, agar hum India mein aap sun rahe hain to India se kidnap karna kisi minor ko uski consent ke bagair aur out of state le jana, out of country le jana. सेकेंड है किडनैपिंग गार्डियन लॉफुल गार्डियनशिप किसी कोई ऐसा माइनर जो किसी लॉफुल गार्डियन के पास रह रहा है लॉफुल गार्डियन उसको प्रोटेक्शन उसको कंट्रोल कर रहे हैं उसको तहफ़ फराहम कर रहे हैं उनकी इंटेंशन के बगैर उनकी कंसेंट के बगैर उसको वहाँ से ले जाना इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं किडनैपिंग फ्राम पाकिस्तान हु एवर कन्वे एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान विदाउट द कंसेंट ऑफ डेट पर्सन or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from Pakistan. कोई भी शख्स किसी माइनर को किसी बच्चे को उसकी कंसेंट के बगैर माइनर से मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि माइनर से मुराद तो 14 साल से कम अगर लड़का है तो माइनर में फाल करेगा 16 साल से अगर कम उम्र लड़की है तो वो माइनर में फाल करेगी कोई भी शख्स किसी ऐसे माइनर को पाकिस्तान की लिमिट से बाहर लेकर जाता है उसकी कंसेंट के बगैर उसकी मर्जी के बगैर उसको बताए बगैर तो वो किडनैपिंग में फाल करेगा उसकी मर्जी एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि माइनर से मुराद माइनर की जो कंसेंट होगी वो भी कंसेंट कंसीडर नहीं की जाएगी लाइक जैसे कि किसी माइनर एज लड़की से अंडर 16 ईयर लड़की से कोई शादी कर लेता है तो लॉ ये कहता है कि अंडर 16 ईयर लड़की से जो शादी की गई है वो किडनैपिंग ही कंसिडर की जाएगी वो लॉफुल मैरिज नहीं होगी क्योंकि माइनर के पास इतनी सेंस नहीं होती अपनी अच्छाई और बुराई का फैसला करने की तो लिहाजा इस सेंस के अंदर माइनर जो भी डिसीजन करता है माइनर जो भी फैसला करता है उसको लॉ कंसीडर नहीं करता जब तक कि वो एक टेंडर एज को एक मिच्योर मिच्योर एज को नहीं पहुंच जाता एक टेंडर एज का नहीं हो जाता एक साउंड माइंडेड शख्स नहीं बन जाता साउंड माइंडेड इंसान वो नहीं बन जाता अंडर 16 ईयर लड़की माइनर कहलाएगी अंडर 14 ईयर लड़का माइनर कहलाएगा किडनैपिंग के जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कन्वे ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान किसी भी शख्स को पाकिस्तान की लिमिट से बाहर लेकर जाना ह्यूमन ट्रैफिकिंग की इंटेंशन के साथ उसको सेल परचेज करना किसी और किसी ड्रग्स के लिए किसी और पर्पज़ के लिए जिसके अंदर इंटेंशन चाहे मेलाफाइड या बोनाफाइड है आप उसकी गार्डियनशिप से पाकिस्तान की लिमिट से उसको बाहर लेकर जा रहे हो आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है उसको अपने साथ रखने की आप लीगली अथॉराइज नहीं है उसको अपने साथ रखने के इसके बावजूद आप उसकी इंटेंशन के बगैर उसको पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हो तो डैट मीन आपने किडनैपिंग का क्राइम कमिट किया है सेकंड इसका इंग्रेडिएंट है सच कन्वेइंग मस्ट बी विदाउट कंसेंट ऑफ डैट पर्सन और सम पर्सन हु इज लीगली अथॉराइज कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ डैट पर्सन इसके अंदर ये ज़रूरी है कि जिस माइनर को आप लेकर जा रहे हो जिस माइनर को कोई शख्स उठाकर लेकर जा रहा है पाकिस्तान से बाहर किसी भी तरीके से उसकी कंसेंट उसके अंदर शामिल ना हो बट मैं कंसेंट से पहले मैं ये बता चुका हूँ कि अंडर 16 ईयर ऑफ एज ऑफ गर्ल अंडर 14 ईयर एज ऑफ बॉय ये माइनर कंसिडर किए जाएंगे और इनकी कंसेंट जो है उसको एज ए कंसेंट डील नहीं किया जाएगा बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर अगर बच्चा बहुत ज़्यादा साउंड माइंडेड है बहुत ज़्यादा क्लेवर है चलाक है अपनी अच्छाई बुराई को समझ सकता है तो डैट कोर्ट एक्सेप्शन देती है बट इन केस ऑफ एक्सेप्शनल केसेस एक्सेप्शनल सर्किमस्टांसिस अदर देन जनरल लॉ के अंदर अगर माइनर को आप बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान बाहर लेकर जाते हो उसकी कंसेंट के बगैर या किसी ऐसे शख्स की बिहाफ के ऊपर जो उसका लीगली अथॉराइज है बट उसकी कंसेंट उसके अंदर शामिल नहीं है तो डैट मीन यू कमिट किडनैपिंग आपने किडनैपिंग कमिट की उस शख्स को पाकिस्तान से बाहर ले जाकर उस बच्चे को उस माइनर को पाकिस्तान से बाहर ले जाकर उसकी कंसेंट के बगैर आपने किडनैपिंग का जुर्म कमिट किया नेक्स्ट किडनैपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप हूएवर टेक एनी माइनर अंडर 14 ईयर ऑफ एज इफ अ मेल अंडर 16 ईयर ऑफ एज इफ अ फीमेल और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंडेड आउट ऑफ कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियन और सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंडेड without the consent of such guardian said to kidnap such minor or person from lawful guardianship 16 साल से कम उम्र लड़की 14 साल से कम उम्र लड़के को अगर आप उसके lawful guardianship की consent के बगैर लेकर जाते हो तो then आपने भी kidnapping का crime commit किया है kidnapping from lawful guardianship से मुराद हर वो शख्स जो लीगली तौर के ऊपर अथॉराइज्ड है उस बच्चे की उस माइनर की देखभाल करने के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी परवरिश करने के लिए
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए, या इन कोर्ट अगर किसी शख्स के पेरेंट्स, उसके माँ बाप, उसका आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो कोर्ट किसी शख्स को गार्डियन मुकर्रर कर देती है, अदालत किसी शख्स को इंडिपेंडेंट खुद उसकी गार्डियन मुकर्रर हो जाए, तो जब खुद होती है तब भी किसी शख्स को मुकर्रर करती है, किसी और शख्स को उसकी गार्डियन मुकर्रर कर दे, तो ऐसी सूरत में भी उसकी गार्डियन की इंटेंशन के बगैर आप उस शख्स को उस लिमिट से, उस बाउंड्री से बाहर लेकर जाते हो, पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर उसको बताए बगैर अपने पास रखते हो, तो तब भी आपने किडनैपिंग का क्राइम कमिट किया। ये जनरली केसेस के अंदर जो फैमिली मैटर्स है वहाँ पर ये केसेस देखने में आते हैं, सुनने में भी आते हैं कि पेरेंट्स जो हैं जब उनकी डिवोर्स हो जाती है तो मदर अपने हस्बैंड के ऊपर अपने बच्चों की किडनैपिंग का केस कर देती है, और हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर भी कर देता है। तो इस सूरत के अंदर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ला फुल गार्डियनशिप से ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि अगर माँ बाप के अंदर तलाक हो चुकी है और बच्चे माँ के पास थे और बाप आया बच्चों को लेकर अपने पास चला गया, तो इससे ये हरगिज़ मुराद नहीं कि बाप ने बच्चों को किडनैप किया, क्योंकि बाप बच्चों से प्यार करता है, उसके उसको भी उतना ही प्यार आता है जितना माँ को आता है। इन केस ऑफ सर्कमस्टांसिस कोर्ट ने ये मुनासिब समझा कि माँ को बच्चे दे दिए जाएँ या बाप को दे दिए जाएँ किसी भी सूरत में, तो जो दूसरा गार्डियन होगा, जो दूसरा पेरेंट्स में से जो दूसरा पार्ट है, मदर है, फादर है, अगर वो बच्चों को अपने पास ले जाते हैं तो वो क्राइम जो है वो किडनैपिंग के अंदर फॉल नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी और शख्स गार्डियन की कंसेंट के बगैर, गार्डियन की मर्जी के बगैर अगर बच्चे को अपने साथ लेकर जाते हैं, उनका ये जो तरीक़ेकार है ये किडनैपिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्डियन के अंदर फॉल करेगा। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, टेकिंग और इंटाइसिंग अवे ऑफ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंडेड, अगर बच्चा है अनसाउंड माइंडेड है, उसके अंदर समझने की, देखने, सोचने, परखने की सलाहियत नहीं है, आप उस बच्चे को गार्डियन की मर्जी के बगैर ले जाते हो, तो देन आपके ऊपर जो आपने क्राइम कमिट किया, जो आपने जुर्म कमिट किया, वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप के अंदर फॉल करेगा। नेक्स्ट इसका इंग्रेडिएंट है, सच माइनर मस्ट बी अंडर द एज ऑफ 14 ईयर इफ़ बॉय, अंडर द एज ऑफ 16 ईयर इफ़ गर्ल, अगर लड़की है तो 16 साल से कम, अगर लड़का है तो 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा होगा वो माइनर के अंदर फॉल करेगा। नेक्स्ट इसका इंग्रेडिएंट है लॉफुल गार्डियनशिप। लॉफुल गार्डियनशिप के ऊपर मैं अभी बता चुका हूँ कि लॉफुल गार्डियनशिप से मुराद ऐसी गार्डियनशिप जिनको कोर्ट ने परमिशन दी हो उस बच्चे की देखभाल करने की, चाहे इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अगर हस्बैंड और वाइफ के अंदर तलाक हो चुकी है तो कोर्ट मुनासिब समझती है कि बच्चे माँ को देने चाहिए तो कोर्ट माँ को उसके गार्डियन मुकर्रर कर देगी, अगर कोर्ट मुनासिब समझे कि बच्चे बाप को देने चाहिए तो कोर्ट बाप को उसका गार्डियन मुकर्रर कर देगी। तो किसी भी सूरत में जिसको कोर्ट ने उसका गार्डियन मुकर्रर किया, या कोर्ट ने अगर किया भी नहीं, हस्बैंड और वाइफ थे, बाप की डेथ होगी, माँ बच्चों को संभाल रही है तो माँ उसकी लीगली जो है वो गार्डियन होगी, अगर माँ बाप भी मौजूद नहीं है, उसके जो लीगली गार्डियन होंगे उसके दादा दादी नाना नानी या जो उसके करीबी क्लोज रिलेशंस में से हैं वो उसके लीगली गार्डियंस जो है वो कंसिडर किए जाएंगे, उसके खाला, उसके फूफो, उसके मामू, उसके चाचू वगैरह वगैरह। पनिशमेंट ऑफ किडनैपिंग, किडनैपिंग की जो पनिशमेंट है वो 7 साल सज़ा और जुर्माना और दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी हो सकती है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।